हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसी ऑनलाइन क्लास 6। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। एक्सरसाइज 4.1 का आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हो और टू पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हो। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हो और टू पॉइंट से कितनी लाइन आप पास कर सकते हो। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, सिंगल पॉइंट होगा हमारे पास, उससे आप कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लाइन में आपको पता है दोनों साइड एरो होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि दोनों तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो कितनी भी आप लाइन पास कर सकते हो सिंगल पॉइंट से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास इनफाइनाइट मेनी लाइन्स। सिंगल पॉइंट से आप कितने लाइन्स पास कर सकते हो, इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, ये आपके पास आंसर। अब देखिए टू पॉइंट से आप कितनी लाइन्स पास कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टू पॉइंट हमारे पास, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो कितनी लाइन पास करोगे टू पॉइंट से? ओनली वन लाइन, दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो आप इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा? ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन। तो 4.1 का क्वेश्चन था और ये सॉल्व हो चुका है कि सिंगल पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करोगे, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनी लाइन्स। टू पॉइंट से कितनी लाइन पास करते हैं हम? ओनली वन लाइन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। नाम से पता लग रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टू लाइन्स है, वन लाइन्स ए बी हमारे पास वन लाइन, और सेकेंड जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब काट रही है। इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है? काटना। वो किसी एक पॉइंट पर इसको कट कर रही है। ये कोई लाइन है हमारे पास सी डी, टू लाइन्स हमारे पास ए बी एंड सी डी, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये पॉइंट एम है, एम हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स कट कर रही है। तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो ए बी एंड सी डी, दोनों साइड एरो लगाएंगे लाइन्स, बिकॉज इट इज लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दो लाइन होती है हमारे पास, वो किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, मीन्स क्रॉस करेगी। ठीक है, तो उन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और वो पॉइंट कौन सा है? एम पॉइंट पर कट कर। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद पैरेलल लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद हमारे पास पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जो ट्रेन की जो पटरी होती है वो पटरी हमारे पास पैरेलल है। इट मीन्स वो जो पटरी है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसका मतलब दो लाइन होगी हमारे पास, एक लाइन ए बी हो गई और दूसरी लाइन सी बी। टू लाइन्स होगी हमारे पास ए बी एंड सी डी, एंड किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो उन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। किसी भी पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट पर हमने डिस्टेंस मेजर किया वो भी सेम, इस पॉइंट पर डिस्टेंस किया वो भी सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर आप मेजर कर रहे हो तो वो दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब नेवर इंटरसेक्ट इट मीन्स नेवर इंटरसेक्ट, किसी भी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइन। तो आप इसमें राइट करेंगे ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, दोनों लाइन्स कौन सी होगी? पैरेलल लाइन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल ट्रेन की जो पटरी है वो है, वो ट्रेन की पटरी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है इसका, पैरेलल लाइन, इसको नोट कर लिया, पैरेलल लाइन्स। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस जैसे हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन हमारे पास, जैसे दूसरी लाइन हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे दी सीधी लाइन, तो दोनों लाइन के बीच में जो सीधी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, और इंटरसेक्ट करने पर उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल करना चाहिए। कौन सा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल का सिंबल होते हैं, आपको चाहे 90 डिग्री एंगल राइट कर दो या फिर स्क्वायर बॉक्स सिंबल बना दीजिए, तो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। टू लाइन्स हमारे पास ए बी एंड सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रही है। उस पॉइंट पर कौन सा डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये ए बी एंड सी डी लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होनी चाहिए? टू लाइन्स एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही है उस पर क्या बनना चाहिए? एंगल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। तो ए बी और सी डी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर लाइन्स। ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री एंगल होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आगे फिर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे इसमें। तो आपको अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक है जो आपको रीड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अटेंड करने, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी आप एक बार चेक कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन।